खरीदने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया है ZCU20 का। और फेयर्स वगैरह के हवाले से आप बताएं कि क्या फेयर्स इंक्रीज किए हैं, किराया वगैरह इंक्रीज किया? आप अपना टिकट बना रहे हैं ना? यहाँ पे आप अपना खाना वगैरह रख कर खा सकते हैं आराम से, और जब खाना वगैरह खा लें तो फिर इसे आप दोबारा इसे आराम उठा कर बंद कर दें। चिकन का ब्रोस्ट है, कुछ फ्राइज है और ये सैंडविच है। इसके अलावा भी कुछ होता है? और ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, ये चेक करें आप। तो ये हमारे पॉलर कार के कोच में जो है सफाई भी चल रही है, साथ साथ सारा कचरा अंकल समेटते हुए ले गए अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और आज का जो हमारा जर्नी होने वाला है वो है लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक का। और आज की जो हमारी ट्रेन है वो है 103 अप। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 4 लाहौर रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म्स। काफी अच्छी बिल्डिंग, काफी मशहूर बिल्डिंग लाहौर रेलवे स्टेशन की, जो कि अंग्रेजों के जमाने से ही बनी हुई है। एक पाकिस्तान का कीमती असासा कह रहे हैं आप इसे। तो दोस्तों आज डेट है 15 जून 2022। तो आज का सीन कुछ ये है कि आज जो ये 103 अप है सुबह करम एक्सप्रेस, ये से आज से प्राइवेट हो रही है, यानी कि इसे जो है NCS कंपनी ने ले लिया है, और आज से जो है ये ट्रेन उसके अंडर ही चलेगी। इसके अलावा रावल एक्सप्रेस जो है वो रात में जो रेल कार निकलती है लाहौर से, वो भी इस कंपनी ने ले ली है ट्रेन। और आज का सफर जो है वो हम अकेले नहीं करेंगे, बल्कि आज मैं हूँ इस सफर में, मेरे साथ फहीम भाई हैं साइट्स एंड साउंड, और पाक रेलोग्राफी के सुफियान भाई हमें कुछ ही देर में यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये काफ़ी हट कर एक लगा हुआ है 103 अप का, और पहले भी जब ये गवर्नमेंट के पास थी ये ट्रेन तब भी ये इसी प्लेटफॉर्म से निकला करती थी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, यानी कि लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के। और आज भी उसी प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है, जबकि आज इस ट्रेन का प्राइवेट होने के बाद पहला रन है, यानी कि पहली बार ये जाएगी रावलपिंडी के लिए। लेकिन इस ट्रेन को फिर भी कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं किया गया, ना ही कोई स्टिकर्स वगैरह, या जिस तरह ट्रेन को सजाया जाता है वैसे कोई भी सीन नहीं है इस वक्त ट्रेन में आप देख सकते हैं। जबकि हमें उम्मीद थी कि इस ट्रेन का प्रॉपर जैसा इनॉग्रेशन होता है वो किया जाएगा। NCS कंपनी जो है वो पहली बार आई है मैदान में, यानी कि पाकिस्तान रेलवे के मैदान में पहली बार आई है किसी ट्रेन को ओन करने के लिए। जबकि रेक की कंडीशन आप देख सकते हैं कि वही रेक्स हैं जो इससे पहले 103 अप के लिए इस्तेमाल होता था, कोई चेंजिंग वगैरह नहीं है, वही रेक है। जबकि अगर इस ट्रेन में क्लासेस की बात करें तो सेम वही 3 क्लासेस लगाई गई हैं ट्रेन में, यानी कि सुपर डिलक्स, स्कॉलर कार, इसके अलावा एसी स्टैंडर्ड, एसी बिजनेस क्लास, जो कि इससे पहले भी इस ट्रेन का रेक का हिस्सा रहे हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात इकोनॉमी क्लास के कोचेस जो कि आगे लगे हुए हैं। और चले अब स्कॉलर कार में चलते हैं, और इसका इंटीरियर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये कुछ इंटीरियर है 103 अप स्कॉलर कार का, 103 अप के स्कॉलर कार का। तो इसका थोड़ी देर में कंप्लीट रिव्यू करते हैं, इससे पहले कि ट्रेन चले हम बाकी क्लासेस को देख लेते हैं। तो ये आ चुके हैं हम इस ट्रेन के बिजनेस क्लास के कोच में। कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है जो पहले था। ACFI बिजनेस क्लास लगा हुआ है आज। इंटीरियर कुछ इस तरह का है, बस USB पोर्ट्स दिख रहे हैं। तो ये है रेल कार का एसी स्टैंडर्ड, और रेल कार में जो एसी स्टैंडर्ड होता है वो कुछ मुख्तलिफ होता है आम ट्रेन से, यानी कि आप एक पॉलर कार का इंटीरियर कह सकते हैं ऐसे तकरीबन। और ये लेफ्ट साइड पर जो है ये 3% की सीटिंग है, जबकि राइट साइड पर जो है 2% सीटिंग है, जबकि पॉलर कार में जो है वो 2x2 की सीटिंग्स होती हैं। इसका एसी फिर भी बिजनेस क्लास के एसी से बहुत बेहतर चल रहा है, कि हालात कुछ इस तरह के हैं। और तो ये सामने से निकल रही है इस वक्त रावी एक्सप्रेस 122 डाउन, जिसका न्यू रेक आप देख सकते हैं इस वक्त, जो कि बरास्ता जो है वो जुड़ा वाला कमालिया के रास्ते जाती है लाहौर से शोरकोट तक। और ये भी एक प्राइवेट ट्रेन है जो कि एसजेमिनन कंपनी के पास है। तो अगर इस ट्रेन के आप रेक कंपोजिशन की बात करें तो वो सारे जो थे वो एसी के कोचेस थे, ये अब हम एक आ चुके हैं इकोनॉमी क्लास के कोचेस में। और 3 इकोनॉमी क्लास के कोचेज जो हैं वो CNR लगे हुए हैं, 2 इकोनॉमी क्लास के कोचेज जो हैं वो CFI हैं,
यानी कि टोटल 5 इकोनॉमी क्लास के कोचेज लगे हुए हैं आज इस ट्रेन में, और 3 जो हैं वो एसी के कोचेज हैं। इकोनॉमी क्लास का इंटीरियर वही है जो होता है बाकी ट्रेन का। सफाई वगैरह का भी हम कुछ नहीं इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी ट्रेन जो है वो साफ़ सुथरी है, जाहिर सी बात है। अब आगे चलेगी जब अपना सफ़र जारी करेगी फिर पता लगेगा कि रास्ते में कोई सफाई के लिए आता है या नहीं आता। अभी तो फिलहाल ट्रेन खाली। ये हमारे साथ ही पाकिस्तान ट्रेन मोहम्मद बिलाल भी हमारे साथ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एनसीएस के स्टाफ जो आज ट्रेन के साथ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? आपका नाम सर? शाजेब भाई, राहिल भाई और पीछे खड़े हुए आशिर भाई। तो आप लोगों ने ट्रेन ले ली है माशाल्लाह, आज आपका पहला रन है यहाँ से पिंडी तक। तो इसके अलावा और कौन कौन सी ट्रेन ली हैं आपकी कंपनी ने? सर थोड़ा सा लाउड बोलेंगे आप? रात को निकलती है जी रावल एक्सप्रेस। ठीक है जी, दो ट्रेन, दोनों सेम रूट की जो रेल कार्स हैं ये हैं। अच्छा 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 अच्छा, आप जो हैं आपका डेजिग्नेशन क्या है? एसटी पे। अच्छा, और टिकट और फेयर वगैरह के हवाले से आप बताएं कि क्या फेयर इंक्रीज किए हैं, किराया वगैरह इंक्रीज किया? टिकट बना रहे हैं जी, 600 रुपया टिकट है, बाहर से अगर रिजर्वेशन से लेंगे तो जी। अच्छा जी, अंदर अच्छा अच्छा बिजनेस क्लास के 1200। अच्छा ठीक है तीन चार क्लासेस उसके मतलब डिफरेंट रेट्स हैं। नहीं मैं पूछना चाह रहा था कि जो पहले रेट था पाकिस्तान रेलवेज का इस ट्रेन का, आप लोगों ने सेम वही रेट रखा है या फिर इंक्रीज किया है कुछ? वही है रेट, वही है लेकिन है कि इंशाल्लाह अभी शुरू किया है। बिल्कुल, आपकी कंपनी जो है वो फर्स्ट टाइम आई है एक तरह से पाकिस्तान रेलवे के मैदान में। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये देखें रगड़ रगड़ के जो है वो खिड़कियाँ साफ की जा रही हैं इस ट्रेन की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई जान? तो ये ZCU-26414 लीड करेगा आज की 103 अप सुबह खरम को लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक। दोस्तों लाहौर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त खड़ा है ZCU-26414 जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा हुआ है। एक और ट्रेन निकल रही जिसका विजल आपने सुना जो कि मे बी 7 अप होगी या 5 अप होगी, लेट्स सी कौन सी है। ये सामने आप देख सकते हैं कि एक HGMU-30 जो कि ग्रीन लाइन से निकला है अभी, उससे आगे एक GU-20 खड़ा हुआ है और उससे आगे खड़ा हुआ है एक ZCU-20, जबकि सामने से इस वक्त बिल्कुल मेरे आ रही है कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली 43 अप शाह हुसैन एक्सप्रेस। तो ये ट्रेन जो है हमारी आहिस्ता आहिस्ता सज रही है, बैक से पूरी सज चुकी है, फ्रंट से थोड़ी सजनी बाकी है और ये साथ ही हमारे आ चुकी है शाह हुसैन एक्सप्रेस AGU-30 के साथ। तो इस बैनर में आप देख सकते हैं कि 3 ट्रेनों का नाम लिखा हुआ है, सबक खराम यानी कि ये वाली ट्रेन जो इस वक्त मेरे पीछे मौजूद है जिसमें मस्ट ट्रैवल करेंगे, इसके अलावा रावल एक्सप्रेस जो रात में निकलती है लाहौर से रावलपिंडी के लिए, और इसके अलावा तेजगाम पाकिस्तान की मायानास ट्रेन कराची से लाहौर, कराची से रावलपिंडी, रावलपिंडी से कराची वाली, ये तीनों जो है प्राइवेट हो रही है। और 1 जुलाई का तेजगाम का इनॉग्रेशन होगा यानी कि 1 जुलाई से टेक ओवर करेगी NCS कंपनी तेजगाम एक्सप्रेस का, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे जरूर। तो दोस्तों पूरे 4:30 हो चुके हैं और ट्रेन को जो है वो सजा दिया गया है, तो सजने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया है ZCU-20 का, और ये फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जिसके साथ ट्रेन डिपार्ट करेगी लाहौर से रावलपिंडी के लिए। और 4:32 में ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग मिसल दिया है, ड्राइवर साहब बिल्कुल तैयार है ट्रेन को ले जाने के लिए। तो ट्रेन का डिपार्ट हो चुका है, फाइनल विसल दे दिया है डिपार्टिंग विसल ट्रेन ने, और हमें भागना है पीछे क्योंकि हमारा पॉलर कार का जो कोच है वो लास्ट में लगा हुआ है, तो अगर नहीं भी पहुंच पाए तो हम अंदर से पहुंच जाएंगे। तो इसकी जो ऑनलाइन की आपने एप्लीकेशन देखी NCS.com वो अभी जो है फिलहाल वर्किंग में नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी वो जो है वर्किंग में आ जाएगी और फिर आप घर बैठे जो है इस ट्रेन की ऑनलाइन रिजर्वेशन जैसे पाकिस्तान रेलवे की दूसरी प्राइवेट कंपनीज एस जमील रास की तरह करवा सकते हैं घर बैठे ही। इनकी अपनी एप्लीकेशन है, अपनी वेबसाइट है, पाकिस्तान रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से इनकी टिकट नहीं होगी अब। अच्छा जी अंकल जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। 103 अब सुबह खराम एक्सप्रेस आज
एनसीएस प्राइवेट लिमिटेड के तहत पहले अपने प्राइवेट इनॉग्रल रन पर रवाना हो गई है। बाय बाय बिलाल, आ जाओ अभी भी वक्त है। तो ट्रेन ने छोड़ दिया लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन को और आगे बढ़ रही है शाहदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ प्राइवेट होने के बाद। और अब आगे कैसी सर्विसेज हैं एनसीएस कंपनी की, ये अभी हम आपको कुछ ही देर में दिखाते हैं। क्या क्या सहूलियात दी जा रही है मुसाफिरों को ये भी दिखाते हैं। वो सामने कर देते ही ट्रेन पहुंच जाएगी बादामी बाग रेलवे स्टेशन पर। तो हम उसी क्लास में हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, यानी कि सुपर डिलक्स पॉलर कार, उसमें ही हमारा आज का जर्नी होगा लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक का। तो उसका इंटीरियर जो है वो मैं आपको पहले वीडियो के शुरू में दिखा चुका हूँ, लेकिन इसके अलावा जो है एक बार दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको भी अंदर जाकर। सीट बाय सीट तो आप देख सकते हैं कि फुल लग रही है ट्रेन। तो ये है पॉलर कार। तो ये ट्रेन इस वक्त निकल रही है शाहदरा बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन से सजे हुए ZCU-20 लोकोमोटिव के साथ। तो शाहदरा बाग रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से जो है वो तीन रूट्स अलग होते हैं। एक जो है वो जाता है रावलपिंडी से होता है पिशावर तक, यानी कि जो मेन लाइन बन है पाकिस्तान रेलवेज की। इसके अलावा एक रेलवे लाइन जो है यहाँ से निकलती है नारोवाल सियालकोट वजीराबाद के लिए, जिस पर फेमस ट्रेन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस चलती है। और इसके अलावा एक रेलवे लाइन जो है यहाँ से शाहदराबाद सांगला हिल ब्रांच लाइन भी निकलती है, जो कि आगे फिर फैसलाबाद से होती हुई खानेवाल तक जाती है। तो ये लोकोमोटिव आप देख सकते हैं कि ये शाहदराबाद रेलवे स्टेशन की लूप लाइन से जो है वो मेन लाइन पर आ रहा है। तो ट्रैक पर काम चल रहा है, जिस वजह से ट्रेन कॉशन लेते हुए काफी स्लो स्लो जा रही है। वो डाइवर्ट हो चुका है रावलपिंडी पिशावर रेलवे लाइन, यानी कि मेन लाइन बन पर। और जो कराची से लेकर लाहौर तक डबल रेलवे लाइन थी वो शाहदराबाग रेलवे स्टेशन पर आकर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों टाइम हुआ है इस वक्त 5:40 और हमारी ट्रेन जो है वो कुछ ही देर में पहुंचने वाली है गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पर। जबकि आपने देखा कि ट्रेन ने 4:32 पर डिपार्ट किया था लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो ये आ चुका है गुजरांवाला पहलवानों का शहर। तो ये ट्रेन लग रही है गुजरांवाला के प्लेटफॉर्म पर और यही है गुजरांवाला का मेन प्लेटफॉर्म। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग रेलवे स्टेशन की, जहाँ पर इस वक्त ट्रेन हमारी अराइव कर रही है। रेलवे स्टेशन 1288 किलोमीटर पर मौजूद है पाकिस्तान रेलवे के मार्कर के लिहाज से, और ट्रेन बिल्कुल हमारी रुकी है मेन बिल्डिंग के सामने। तो ये ट्रेन 2 रुकने के बाद डिपार्ट कर रही है गुजरांवाला रेलवे स्टेशन से। तो प्लेटफॉर्म था मेन प्लेटफॉर्म, वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। तो सीन कुछ ये हुआ है कि साधु की रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन ने जो है वो ओवरटेक कर दिया है 7UP तेजगाम एक्सप्रेस को, और इसके अलावा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर जो है वो हमारी क्रॉसिंग हुई है 14 वाम एक्सप्रेस के साथ। लेकिन वो दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा सका क्योंकि आज जो है वो इस ट्रेन का एनसीएस की तरफ से पहला रन है, और जितने भी आज के टिकट्स हैं वो एनसीएस ने इस सेल आउट की हैं। लेकिन कुछ लोगों ने जो है वो ऑनलाइन रिजर्वेशन भी करवाई हुई थी पाकिस्तान रेलवे से पहले ही, तो जिस वजह से थोड़ा सा मसला हो गया था और हमारे सीट्स वगैरह जो है वो हमें प्रॉपरली अलॉट नहीं की गई थी। मतलब जो हमें एनसीएस कंपनीज ने सीट्स दी थी वो जो थी वो पाकिस्तान रेलवेज की ऐप से ऑलरेडी बुक हो चुकी थी, यानी कि दूसरे पैसेंजर्स ने वो सीट्स बुक कर ली थी। तो ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन कह लें आप एक तरह से दोनों डिपार्टमेंट के दरमियान ये हो चुका था, जिस वजह से हम जो है वो इसी कश्मकश में थे कि कब हमें सीट मिलेगी। गुजरांवाला आने के बाद हमें सीट अलॉट हो चुकी है और अब हम अपनी सीट्स पर बैठ चुके हैं। इस वजह से जो है हम आपको रास्ते में आने वाले जो सीन्स थे वो नहीं दिखा सके, तो उम्मीद है कि आगे जो आने वाले सीन्स होंगे वो आपको जरूर दिखाएंगे। तो दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं सीट्स की कि आप सीट्स पर बैठे हैं तो किस तरह की सीट है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है आपको सीट पर बैठने के बाद। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये सामने जो है खाने की ट्रे आप अपनी सीट के सामने खोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विंडो दिखा देता हूँ, ये विंडो है, ये भाई बैठे हुए हैं विंडो सीट पर, ये वाली सीट मेरी नहीं है, इनके बराबर वाली सीट मेरी है।
यहाँ पे आप अपना खाना वगैरह रख कर खा सकते हैं आराम से, और जब खाना वगैरह खा लें तो फिर इसे आप दोबारा इसे आराम उठा कर बंद कर दें। काफ़ी अच्छी चीज़ है खाने वगैरह खाने के लिए, ऐसे लैपटॉप वगैरह रख सकते हैं आजकल आप इसके ऊपर। इसके अलावा जो नीचे पैर रखने की जगह होती है ये थोड़ी सी मुझे ख़राब लग रही है, क्योंकि ये जो है ये एडजस्ट नहीं हो पा रही सही सही, ये निकल रहा है यहाँ से क्लिप इसका, तो ये थोड़ा मेंटेनेंस इशू है। और बाकी सब में ये ऐसा ही देखने में आ रहा है। साइड पर आप देख सकते हैं कि डस्टबिन भी मौजूद है एक अलग, और ग्लास होल्डर्स भी मौजूद हैं। चार्जिंग सॉकेट जो है वो मौजूद नहीं है इस वाले कोच में, लेकिन मैंने अमूमन देखा है कि बॉलवर्का के कोच में चार्जिंग सॉकेट्स होते हैं, लेकिन इस वाले कोच में आज नहीं है। काफ़ी अच्छी लाइट्स लगी हुई हैं ऊपर रोशनी के लिए, लेकिन रोशनी जो है वो इस सब बाहर भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि दिन के वक्त हम सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह न्यूज़पेपर्स वगैरह वो होल्ड कर सकते हैं, वो रख सकते हैं, जब दिल किया पढ़ लिया, जब दिल किया रख दिया। बाकी इधर जो है FM वगैरह का कुछ सीन है, हेडफोन्स वगैरह आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी वर्किंग में नहीं है। लेकिन जब ये कोचेस चाइना से पाकिस्तान ने इम्पोर्ट किए थे उस वक्त तमाम चीज़ें चला करती थी। FM के कुछ चैनल्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं जो यहाँ पर आते थे। यहाँ पर आप जस्ट हेडफोन्स लगाएं और यहाँ से वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल करें, चैनल सेट करें, आराम से अपना जर्नी इंजॉय करें। लेकिन अब जो है इस तरह की कोई भी फैसिलिटी वगैरह नहीं है। और इन तमाम चीज़ों के अलावा जो आपकी सीट है ये भी थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये हम इकोनॉमी क्लास के रश को चीरते हुए जा रहे हैं लोकोमोटिव की तरफ, और वजीराबाद से इंशाल्लाह लोकोमोटिव में सफ़र करेंगे। ट्रेन हमारी एंटर हो चुकी है वजीराबाद में, पूरे 6:05 पर। दोस्तों ये सामने से जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं तो ये वही लाइन है जो हाफजाबाद से होती हुई सांगला हिल तक जाती है, और इस रेलवे लाइन के अलावा यहाँ से एक रेलवे लाइन जो है सियालकोट के लिए भी जाती है, जिस वजह से वजीराबाद को जंक्शन का नाम दिया गया है। सर सैयद एक्सप्रेस अब से कुछ ही देर पहले यहाँ से गुजरी है, वरना अगर वो भी इस वक्त आती तो एक अच्छा पैरल एक्शन देखने को मिल जाता हमें यहाँ पर। ये लोको शेड है वजीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का। ये आ चुका है वजीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। ट्रेन ने लाहौर चलने के बाद अपना सेकंड स्टॉप जो है वो वजीराबाद जंक्शन पर किया है, इससे पहले ट्रेन गुजरा वाला रुकी थी। तो प्लेटफॉर्म पर रश काफी था तो इसीलिए मैं अपोजिट डायरेक्शन में उतर गया हूँ आज यहाँ से। और इस वक्त हालात कैसे हैं इंजन के ये भी आप देख सकते हैं। तो चलें अभी 6414 की कैब राइड करते हैं और आपको कैब से नज़ारा दिखाते हैं वजीराबाद से लेकर गुजरात तक के।
गुजरात रेलवे स्टेशन पर 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है, ओवरटेक सॉरी क्रॉस कर रही है, सिंगल लाइन क्रॉस। तो ये थी 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, बहुत छोटी सी ट्रेन और बहुत अच्छी स्पीड में गई है। तो दोस्तों 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को रास्ता देने के बाद अब हमारी 103 अब सुबह खरम निकल रही है अपने अगले स्टेशन की तरफ, गुजरात रेलवे स्टेशन अलविदा कह रही है ट्रेन। तो ट्रेन जो है हमारी ट्रैक चेंज करके लूप से मेन की तरफ आ रही है। कोर्स आपको अग्रेशन में सुनाते थे 10-26-414 का। साढ़े 6 बज चुके हैं इस वक्त, कुछ ही देर में अजान मगरिब भी होने वाली है और 5 ऑफ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस हमारे पीछे पीछे आ रही है बिल्कुल, वो भी हमें ओवरटेक करेगी आगे के स्टेशन पर। बस के 50 मिनट पर ट्रेन हमारी पहुंच रही है लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर प्लेस कर दिया गया है हमारी ट्रेन को। और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से एक रेलवे ट्रैक जो है वो सरगोधा के लिए जाता है, यानी कि सरगोधा से होते हुए ट्रेन जो है वो ML2 को भी कनेक्ट करती है। इसके अलावा जो है यहाँ से ट्रेन फैसलाबाद के रास्ते भी जाती है। तो ठीक 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग व्हिसल दे दिया है। तो लाला मूसा जंक्शन पर उम्मीद थी कि 5 ऑफ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस हमें ओवरटेक कर देगी क्योंकि वो बिल्कुल हमारे पीछे पीछे आ रही है, लेकिन हम यही चाह रहे थे कि ओवरटेक यहाँ पर ना हो क्योंकि अगर ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, काफ़ी बड़ा यार्ड है स्टेशन का, तो इसलिए ट्रेन जो है काफ़ी स्लो ओवरटेक करती है हमारी ट्रेन को। लेकिन अब चूंकि हमारी ट्रेन यहाँ से गुजर चुकी है और आगे जो है वो पूरा स्पीडी सेक्शन है, तो अब मज़ा आएगा ओवरटेक देखने का कि जब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस धुआंधार ओवरटेक करेगी हमारी 103 अब सुबह खरम एक्सप्रेस को। काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, काफ़ी बड़ा यार्ड भी है। तो वो ट्रेन जो हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकल कर आ रही है मेन लाइन पर। सूरज भी डूबता जा रहा है साथ साथ और हम भी आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ कोचेस खड़े हुए हैं बिल्कुल हमारे सामने। ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, देखते हैं कहीं नाम लिखा होता है। तो मिल्लत एक्सप्रेस कराची लाला मूसा के दरमियान चलने वाली, उसका रेक यहाँ पे खड़ा है।
ये सारा फ्रेट यार्ड है। लोको शेड भी मौजूद है इस रेलवे स्टेशन पर, जो कि पीछे था, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको। और थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं हमें, और अभी कुछ देर पहले जो है यानी कि दोपहर के वक्त इस्लामाबाद में बारिश हो रही थी, तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है रावलपिंडी तक पहुंचते पहुंचे, रास्ते में बारिश मिलती है कहीं या नहीं। तो चंद अब शाम का वक्त हो चुका है और आज इवनिंग स्नैक्स में है हमारे पास निम्को बिस्किट्स, चाय, पानी और हमारे कुछ दोस्त। अकेले नहीं खाने दूंगा ये सफियान भाई ने धावा बोल दिया है और ये खा दिया कैंट पर। अब हमारी ट्रेन रुक चुकी है क्योंकि यहाँ पे अब होने वाला है ओवरटेक 5 अप का। तो दोस्तों जैसे ही आपने देखा कि जैसे ही इवनिंग स्नैक्स आए और तो ट्रेन हमारी आकर रुकी थी खा दिया कैंट रेलवे स्टेशन पर, तो हम अपने चाय जो है वो हम साथ ही ले आए हैं। और यहाँ पे रुकने की वजह यह है कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस तो हमारे पीछे आ ही रही है, लेकिन इसके अलावा जब हमने उतर के सिग्नल्स देखे तो डाउन में भी एक ट्रेन आ रही है हमारे पास, वो देख सकते हैं आपके डाउन ट्रैक का जो सिग्नल है वो ग्रीन हो चुका है और ये अभी अचानक से निकलेगी पीछे से ट्रेन। तो कौन सी ट्रेन है अभी पता लग जाएगा इसका। ये थी सुबह रफ्तार रेलगार 104 डाउन जो कि 4:30 बजे रावलपिंडी से निकलती है, यानी कि ये हमारी वाली ही ट्रेन थी, सेम टाइमिंग से निकलती है दोनों रेलगार्स, एक रावलपिंडी से और एक लाहौर से। तो पूरे 7:10 पर ट्रेन मूव होना शुरू हो चुकी है 104 डाउन को वे लेने के बाद खा रही है कैंट रेलवे स्टेशन से, और 5 अप का जो ओवरटेक था वो हमें यहां पर भी नहीं मिला। दोस्तों ट्रेन जो है पूरे 7:30 बजे पहुंच रही है जहलम रेलवे स्टेशन पर, और स्टेशन जो है वो रहा बिल्कुल मेरे सामने, ट्रेन लूप लाइन पर लग रही है यानी कि मेन प्लेटफॉर्म लाइन पर लग रही है। यहाँ पर भी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है, तो अब देखना ये है कि क्या ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को यहाँ पर ओवरटेक दिया जाएगा या फिर आगे किसी रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों ये है 103 अब सुबह खरम का किचन, और यहाँ पे कुछ खाने की तैयारी हो रही है, चाय भी बन रही है, और हमारे साथ मौजूद हैं कैटरिंग मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। नज़ाकत हुसैन साहब। सर ने ये मुझे प्लेटर दिखाया है इन्होंने, तो सर इसकी क्या प्राइस है इस प्लेटर की? इसकी 300 में एक चिकन का ब्रोस्ट है, कुछ फ्राइज है और ये सैंडविच है। इसके अलावा भी कुछ होता है? इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक होती है, जी होती है, चाय होती है। अच्छा अच्छा, पानी वगैरह सब प्लेटर में, बस यही कुछ होता है। तो अगर कोई ऑर्डर पे कुछ बनवाना चाहे स्पेशल कुछ, तो वो आप बना देते हैं? अच्छा, बस यही होता है मतलब खाने के लिए? अच्छा, रूट छोटा है इस वजह से आप लोग कुछ रखते नहीं है, मतलब यही रिफ्रेशमेंट वगैरह होती है। अच्छा, रमजान में जो होता है, रमजान में तो ये चीजें नहीं चलती, तो अफ्तार में क्या क्या होता है? अफ्तारी में नान देते हैं आप लोग, क्योंकि अफ्तार आपको जरूर सब ट्रेन में ही होता होगा। हमारे पास होती खजूर है। अच्छा जी, अच्छा जी, तो वो भी 300 में? नहीं, वो 150 में। अच्छा अच्छा, चले जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। तो ये इस वक्त काफ़ी अंधेरा हुआ है झेलम रेलवे स्टेशन पर, तो लग रहा है कि लाइट गई हुई है, लोड शेडिंग यहाँ भी काफ़ी हो रही है, सिंध की तरह यहाँ के भी वही हालात है।
तो ये था झेलम रेलवे स्टेशन का मेन प्लेटफॉर्म, साथ ही एक और प्लेटफॉर्म भी मौजूद है झेलम रेलवे स्टेशन पर कि जब दो ट्रेन्स को यहाँ पे लगाना होता है तो एक को इस पर लिया जाता है और एक को दूसरे पर। तो इस लिहाज से अगर आप देखें कि ये लीनियर प्लेटफॉर्म्स हैं, एक के पीछे एक प्लेटफॉर्म, और इस तरह का प्लेटफॉर्म मैंने एक और रेलवे स्टेशन पर देखा था, तो वो था कुनिया जंक्शन, वहाँ पर भी सेम यही सीन है, इसी तरह एक के आगे दूसरा प्लेटफॉर्म है। तो दीना रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन लूप लाइन पर रुकी हुई है और सामने से भी एक ट्रेन आ रही है GU20 के साथ, तो ज़रूर ये होगी 108 टाउन इस्लामाबाद एक्सप्रेस, जबकि इस्लामाबाद एक्सप्रेस का जो है वो थ्रू का सिग्नल है। यह है खूबसूरत सिंगल लाइन ट्रेन क्रॉसिंग की, और बस ट्रेन को रास्ता देने के बाद हमारी ट्रेन भी यहाँ से निकलना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बेहतरीन किस्म की बिजली चमक रही है और ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, ये चेक करें आप। ये पकराला से निकल चुकी है ट्रेन, तरकी आने वाला है, मौसम हो चुका है, इस वक्त ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, रात का अंधेरा, तो यही कुछ खूबसूरती है ट्रेन के सफर की। के 35 मिनट पर हमारी ट्रेन जो है वो स्किप कर रही है गुर्जर खान शहर को, और बारिश जो थी वो अब से कुछ ही देर पहले खत्म हो चुकी है, गुर्जर खान में बारिश नहीं मिली।
ये हमारे पॉलर कार के कोच में जो है सफाई भी चल रही है, साथ साथ सारा कचरा अंकल समेटते हुए ले गए अपने साथ। और ट्रेन के हालात कुछ इस तरह के हैं सफाई के लिहाज से अगर आप देखें तो। दोस्तों ये है टिकट 103 अब सुबह करम का प्राइवेट होने के बाद। बाकी इसके पीछे जो है टिकट के पीछे ज़रूरी हिदायत वगैरह लिखी हुई है, तरीका टिकट वापसी का, मतलब कि अगर आपको टिकट कैंसिल करवानी है उसके कितना परसेंट रिफंड आएगा, ये सारी चीज़ें पीछे मेंशन है। और बाकी नीचे स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट, ये अगर कोई पैसे देकर अपनी पब्लिसिटी करवाना चाहता है तो वो इन बॉक्सेस को पर अपनी पब्लिसिटी के लिए पैसे देकर इसे एडवर्टाइजमेंट करवा सकता है अपनी। दोस्तों टाइम हुआ है इस वक्त 9:14 और हमारी ट्रेन कुछ ही देर में पहुंचने वाली है चकलाला रेलवे स्टेशन पर, यानी कि इस्लामाबाद में एंटर हो चुके हैं हम। मेन स्टेशन बिल्डिंग जो है वो चकलाला रेलवे स्टेशन की वो डाउन प्लेटफॉर्म पर है, जबकि इस वक्त हम जो है अप प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। वो सामने जो आपको शेड दिख रहा है बिल्कुल इसके पीछे ही बिल्डिंग है चकलाला रेलवे स्टेशन की। तो दोस्तों ग्रीन लाइन जो थी वो उसने हमें ओवरटेक नहीं किया, जो कि हमारे बिल्कुल पीछे पीछे चिपक कर चल रही थी, और इसकी वजह क्या थी ये हम नहीं जानते। ट्रेन काफ़ी लेट हो गई शायद ग्रीन लाइन, और हम जो है चकलाला रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। और अब यहां से जो अगला स्टॉप है वो रावलपिंडी ही है, तो अब जहां पर हमारी ट्रेन भी सफ़र ख़त्म कर देगी, जबकि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को आगे जाना है इस्लामाबाद जाने के मार्गला के लिए। तो दोस्तों लाहौर से लेकर चकलाला रेलवे स्टेशन तक जो सिंगल लाइन थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, और चकलाला से लेकर रावलपिंडी गोलवा शरीफ रेलवे स्टेशन तक जो लाइन है वो डबल हो चुकी है, यानी कि आने की लाइन अलग और जाने की लाइन अलग। जैसा कि आप राइट साइड पर देख सकते हैं ये डाउन लाइन आ चुकी है, जबकि पहले अप और डाउन की दोनों की सेम लाइन थी। तो बिल्कुल जैसे कराची पहुंचने से पहले आपका शारा पैदल साथ साथ चलता है, वैसे यहां पर भी एक रोड आपके साथ साथ हो जाता है चकलाला के बाद। दोस्तों अब से कुछ ही देर में आने वाला है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन, और अब वक्त है इस खूबसूरत से अपने कोच को अलविदा कहने का। दोस्तों ये हमारी ट्रेन 9:24 पर लग रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, यानी कि मेन प्लेटफॉर्म पर। काफी हरा भरा रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन, काफी अच्छी ग्रास लगी हुई है बराबर में, और ये ट्रेन प्राइवेट होने के बाद जो अपना पहला अरावल कर रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर, और इसी ट्रेन के रेक को दोबारा लाहौर जाना है 12:30 एज 106 डाउन रावल एक्सप्रेस बनकर। तो जो 106 जाएगी और लाहौर से 105 निकलेगी वो भी NCS के पास ही है, यानी कि दोनों ट्रेन जो है अब NCS कंपनी ने ले ली है। इसके अलावा जल्द ही NCS कंपनी जो है वो 7 up 8 down यानी कि सबसे बेहतरीन ट्रेन पाकिस्तान रेलवे की आप कह लें तेजगांव एक्सप्रेस, उसका भी टेक ओवर करने वाली है ये कंपनी। तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारी ट्रेन लेने वाली है कंपनी, वक्त के साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे अपडेट देते रहेंगे। तो रावलपिंडी पहुंचने के बाद ही आज का हमारा जर्नी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आपसे बात होगी जल्दी हमारे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन रावलपिंडी का, लाइटिंग काफ़ी अच्छी हुई है।